सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम इस परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट के बारे में बात करेंगे जो कि पूरे साल भर अपने फ्लावर्स पे होता है और ये काफ़ी हार्ड प्लांट भी है। ये स्पेशली उन बिगिनर्स के लिए है जिन्होंने कभी कोई प्लांट नहीं रखा और जिन्हें प्लांट्स की केयर के बारे में ज़्यादा नहीं पता, लेकिन वो फिर भी किसी फ्लावरिंग प्लांट से स्टार्ट करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये परफेक्ट प्लांट है। सो फ्रेंड, ये है टिकोमा गोरीचोरी ड्वार्फ, जिसे कुछ लोग येलो बेल्स प्लांट भी कहते हैं। ये मेनली दो तरह के होते हैं, पहला जिनकी हाइट 10 से 12 फीट तक होती है और वो पूरे ट्री टाइप बन जाते हैं, और दूसरे जिनकी हाइट 3 से 4 फीट तक जाती है। वैसे तो फ्रेंड्स, आप दोनों टाइप्स के प्लांट को पॉट या ज़मीन में कहीं भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन ये ड्वार्फ वैरायटी पॉट में लगाने के लिए ज़्यादा बेहतर रहती है, क्योंकि ये 3 से 4 फीट हाइट लेने के साथ साथ पॉट को पूरी तरह से कवर भी कर लेती है। और जो दूसरी नॉर्मल वैरायटी है, वो पॉट में ग्रो तो हो जाती है, लेकिन आपको उसकी हर साल रिपोर्टिंग और प्रूनिंग करनी पड़ेगी, और वो फिर भी पॉट में ड्वार्फ वैरायटी जैसी लुक नहीं दे पाती। और इन दोनों वैरायटीज़ के प्राइस में भी काफ़ी डिफरेंस है। और फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसकी केयर की। फ्रेंड, ये प्रॉपर आउटडोर प्लांट है जो कि फुल सन में ग्रो करता है, और जैसा कि मैंने अपनी वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि ये एक परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट है जिसे चाहे सर्दी हो या गर्मी, हर मौसम में फ्लावर आते हैं। लेकिन इसे एक्सट्रीम गर्मी वाले एक महीने और पूरी एक्सट्रीम सर्दियों वाले एक डेढ़ महीने में फ्लावर थोड़ा कम आता है, और वैसे भी इन दिनों में तो इंसानों की स्पीड भी थोड़ी कम हो जाती है, ये तो फिर एक प्लांट है। और अभी ज़्यादा ठंड की वजह से इस पर फ्लावर्स भी थोड़ा कम है। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा जो परमानेंट फ्लावरिंग पॉट वाले प्लांट होते हैं, उनके विंटर्स में आकर लीव्स पूरे झड़ जाते हैं, लेकिन फ्रेंड्स, इस प्लांट के साथ ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, थोड़ा लीव्स का कलर ज़्यादा ठंड की वजह से डल पड़ सकता है और थोड़े बहुत लीव्स झड़ भी सकते हैं, जो कि नॉर्मल बात है। और इसकी वाटरिंग की बात करें तो इसका वाटरिंग मेथड भी बाकी नॉर्मल प्लांट्स की तरह ही है, जिसकी आपको हमारे चैनल में काफ़ी वीडियोस मिल जाएंगी, तो आप वहाँ से वाटरिंग मेथड देख सकते हैं। और इस प्लांट की प्राइस की बात करें तो आपको ये प्लांट 100 से 150 के बीच में पड़ेगा, डिपेंडिंग ऑन इट्स साइज। एंड आई होप फ्रेंड्स, आपको ये मेरी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी।